कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बड़े ही आसान और छोटी सी एक रेसिपी है जी, कुकीज़ बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, आज कोई इसमें फ्लेवर नहीं डालना, सिर्फ एंड पे ब्राउन शुगर लगाएंगे। आई होप आपको पसंद आएगी जी। हाफ टी स्पून मैंने चीनी ले लिया पाउडर, 1 कप ले लिया जी हमने मैदा, 1 टेबल स्पून मेरे पास वनीला शुगर है, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर है, 1 अंडा है, ये 100 ग्राम बटर है। ये हमारा चीनी और जो मक्खन था वो इस कंडीशन में आ गया है। अब इसमें बकाया चीज़ें ऐड करेंगे, इसलिए सोचा बता दूँ आपको ताकि आप लोग कंफ्यूज ना जी हो। इसमें वनीला शुगर पाउडर और मक्खन को हमने बस किया जी, ये चीज़ें इस हालत में आ गई हैं। ये जी हमने 160 पे इसको बेक करना है। तो जी हमारी कुकीज़ रेडी हो चुकी है, ये काफ़ी टेस्टी बनी है और मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट लगाया था। और आप लोग भी जब भी कोई चीज़ बेक करें, आप 15 से 18 मिनट के बाद उसको चेक कर लिया करें, तो हीटर ऊपर नीचे वाला चेंज करना पड़ता है, वो कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास ये ओवन नहीं है तो वो घर में बना सकते हैं पतीले में, मुझे किसी ने बोला था, बट मैं इसलिए नहीं पतीले में आपको बना के दिखा सकती क्योंकि इलेक्ट्रिक पे ये कामयाब नहीं, मैंने कोशिश की थी, बट जब मेरे पास गैस वाला था जी तो मैं भी पतीले में बड़ी बिग चीज़ें बेक करती थी। आप उसमें जो मिलते हैं छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, जैसे पौधों में जो लगाते हैं ना नीचे क्यारी में, वो आप लेके एक लेयर पतीले में लगा लें, उसके ऊपर ढक्कन लगा दें, उसको प्री हीट, जब उसका गर्म हो जाए अच्छे से, फिर उसकी आंच को, जैसे हमने 160 पे रखना है, आंच को मीडियम कर लें। अगर उससे भी हमने लो 120 पे लेके आना है, आंच को और हल्का कर लें। और आपने 180-200 पे कोई चीज़ बेक करनी है तो आप आंच को फुल कर दें। तो इसका ये तरीकाकार होता है, मैं जब पाकिस्तान में थी जी, मैं इसी पे पिज़्ज़ा बनाती थी और बहुत टेस्टी बनता था। तो यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखा नहीं सकती क्योंकि इलेक्ट्रिक पे ये मैंने कोशिश किया नहीं बना जी, इसलिए माजरत चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।